हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मानवेंद्र जीवन। दिस इज द वीडियो फॉर क्लास 7 एंड दिस वीडियो बिलोंग्स टू योर चैप्टर नंबर 1 दैट इज कंप्यूटर लैंग्वेजेस। ये वीडियो और इसके आगे आने वाले वीडियोस आपकी चैप्टर के अकॉर्डिंग पढ़ाई जाएंगी। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। कोई सवाल हो तो मुझे टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप के ग्रुप के मैसेज पर आप डाल सकते हैं, मैं आपको सॉर्ट आउट करूँगा। ओके, तो आप यही समझे कि मैं आपको क्लासरूम में खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूँ। ओके, नाउ योर चैप्टर 1 बिलोंग्स टू कंप्यूटर लैंग्वेजेस। व्हाट इज लैंग्वेज इन रियल लाइफ? इन रियल लाइफ हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, बंगाली, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, दीज आर लैंग्वेजेस। लैंग्वेज इज टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स टू अदर्स। यानी कि भाषा का मतलब ये हुआ कि आप अपनी फीलिंग्स को दूसरे तक पहुंचा पाइए, उसको भाई बता पाइए कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं, क्या महसूस करते हैं। दैट इज लैंग्वेज। सो इट ऑल्सो बिलोंग्स टू कंप्यूटर। कंप्यूटर में भी डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस अलग अलग तरह के प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं। ऐसा ये नहीं कि एक तरह का लैंग्वेज दूसरे वो दूसरा तरह का प्रोग्राम लॉन्च नहीं कर सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से इंग्लिश से भी हम अपनी बात रख सकते हैं, हिंदी से भी बात रख सकते हैं और तेलुगु से भी बात रख सकते हैं। हम इंग्लिश में भी कविता पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी कविता पढ़ सकते हैं, तो तेलुगु में भी तो कविता पढ़ सकते हैं। उसी तरीके से अगर C++ जो कि एक लैंग्वेज है, तो C++ में अगर हम कोई प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, तो उसी तरीके से विजुअल बेसिक में प्रोग्राम डेवलप कर सकते हैं, .NET पर भी कर सकते हैं, जावा पर कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन हम किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि फलाना लैंग्वेज सिर्फ इसी तरह के सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कुछ लैंग्वेजेज ऐसे हैं ज़रूर जो कि केवल स्पेशली उसी तरह के चीज़ों को डेवलप करने के लिए डेवलप किए गए थे। तो कंप्यूटर लैंग्वेजेस उसी तरीके से होते हैं जिस तरीके से कि आपके और हमारी नॉर्मल भाषाएं। सो आई थिंक यू विल गॉट इट। सो कंप्यूटर के लैंग्वेज का नाम सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। नो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस आर प्रेजेंट इन मार्केट नाउ एंड दे रैपिडली ग्रोइंग एरा बाय एरा, टाइम टू टाइम। सो बेसिकली मैं इस चैप्टर में यही डिस्कस करना चाहता हूँ कि कंप्यूटर लैंग्वेज पहले यह समझ में आए कि कंप्यूटर लैंग्वेज होता क्या है। लैंग्वेज का मतलब है कि वैसा सॉफ्टवेयर जिस पर हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को क्रिएट कर सके, डेवलप कर सके और वह किसी यूजर को उसी तरीके से काम आए जैसे कि एम एस ऑफिस, पेंट ब्रश, नोट पैड, वर्ड पैड आता है। ओके, तो आप भी लैंग्वेजेस सीख करके उस तरह के एप्लीकेशन या ऐप बना सकते हैं। और बहुत सारे बच्चे ऐसा करते भी हैं जिनका दिमाग थोड़ा सा कंप्यूटर में अच्छा हो जाता है और उस चीज़ को अपना कैरियर बनाते हैं। वो छोटे मोटे गेम बना के गूगल ऐप पर डालते हैं और उनके ऐप्स जब लोग डाउनलोड करते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी इनकम शुरू हो जाती है। यह एज डिफाइंड नहीं है कि मैं 5 साल का हूँ या 50 साल का हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ कंप्यूटर लैंग्वेज को मुझे समझाने का मतलब यही है कि वे सॉफ्टवेयर्स, ये कंप्यूटर लैंग्वेज भी एक सॉफ्टवेयर ही है, ये कैटेगरी में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ये आता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज का मतलब है कि एक खास तरह की कैटेगरी उन सॉफ्टवेयर्स की जो दूसरे सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकने का पावर रखती हो। जैसे एम एस वर्ड केवल काम कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ खास तरह के जॉब्स कर सकते हैं, लेकिन एम एस वर्ड के पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है जिससे कि वह कोई दूसरा टेक्स्ट एडिटर या कोई ड्राइंग एप्लीकेशन आपको बना के दे दे, राइट? लेकिन C++, जावा, .NET, पाइथन और भी बहुत तरह के लैंग्वेजेज, उनमें यह कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वह दूसरे लैंग्वेजेस को क्रिएट कर सके, दूसरे एप्लीकेशंस को क्रिएट कर सके। सो नाउ आई एम एंडिंग माई वीडियो। सो Stay home, live healthy. Thank you.